स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे आपके सप्लायर द्वारा दिए गए क्रेडिट नोट नंबर या फिर डेबिट नोट नंबर के आधार पर एंट्री को सर्च करना। दोस्तों आपका सप्लायर है, आपके सप्लायर ने आपके लिए क्रेडिट नोट इशू किया और जो आपके सप्लायर ने आपको क्रेडिट नोट दिया है उसकी एंट्री आप डेबिट नोट वाउचर में करते हैं और डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करते समय आपके सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट नंबर दिया है वो भी आप उस जगह पर डाल देते हैं जिससे कि बाद में जरूरत पड़े तो आप वहां से वो नंबर ले सकें। इसी तरह से आपका सप्लायर आपके लिए डेबिट नोट इशू करता है, डेबिट नोट आपके लिए देता है तो आप क्या करते हैं उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं और क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करते समय आपके सप्लायर ने जो डेबिट नोट नंबर दिया उसको उस जगह पर डाल देते हैं। तो जो आपने सैकड़ों हजारों एंट्रीज कर रखी है क्रेडिट नोट की या फिर डेबिट नोट वाउचर की और उसमें जो आपने सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर या डेबिट नोट नंबर डाल रखा है उसी के बेस पर आप एंट्री को सर्च करके सेकंडों में सामने ला सकते हैं। कैसे समझेंगे विद एग्जांपल। इसके लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाएंगे अकाउंट बुक्स में और इसके बाद हम आ जाएंगे इस जगह पर। तो यहाँ पर आपको डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर मिलेगा, है ना। तो डेबिट नोट रजिस्टर में चले जाएंगे तो जितनी भी आज तक आपने डेबिट नोट वाउचर में एंट्री की होंगी वो आपको इस जगह पर मिल जाएंगी। क्रेडिट नोट रजिस्टर में जाएंगे तो जितने भी आपने क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कर रखे हो वो आपको इस जगह पर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर एग्जांपल डेबिट नोट रजिस्टर का ले रहा हूँ, उसी तरह से आप क्रेडिट नोट रजिस्टर में भी जाकर आपके सप्लायर का डेबिट नोट नंबर के द्वारा एंट्री को सर्च कर सकते हैं। अब डेबिट नोट रजिस्टर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए यहाँ पर मंथली वाइज हमको जो भी हमने डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कर रखी है वो हमें इस जगह पर मिल जाती है। यहाँ पर आपकी 100, 200, 500 एंट्री हो सकती है ना। तो किसी मंथ को आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने अप्रैल मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर जिस पीरियड के अंतर्गत आप ये सर्च करने आए वो पीरियड यहाँ पर कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ पूरा पीरियड, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर और आज तक जितनी भी मैंने डेबिट नोट वाउचर में एंट्री की है वो सारी की सारी मुझे इस जगह पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी डेबिट नोट वाउचर में जब हम यहाँ पर एंट्री करने के लिए जाते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल में हम आकर इसको यस करते हैं और यस करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं एडिशनल डिटेल्स के अंतर्गत रीजन दे देते हैं कि क्या रीजन है ये एंट्री का। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सप्लायर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नंबर है, इस जगह पर हम क्या करते हैं सप्लायर का जो क्रेडिट नोट नंबर है वो डाल देते हैं जब हम डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं, और जब हम क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं तो सप्लायर द्वारा दिए हुए डेबिट नोट नंबर को इस जगह पर डाल देते हैं। अब ये जो नंबर आपने डाल रखा है इसी के बेस पर आप एंट्री को सर्च कर सकते हैं सैकड़ों हजारों एंट्रीज में से, ठीक है ना। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा अप्लाई फिल्टर। आपको अप्लाई फिल्टर लिखे हुए बटन पर क्लिक कर देना है या कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है इस फीचर को कीबोर्ड से यूज करने के लिए। अप्लाई फिल्टर लिखे हुए बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आप इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर बेसिक फिल्टर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, बैक आना है और एक बार बैक आ जाइए तो यहाँ पर अप्लाई फिल्टर ऑन में बाई डिफॉल्ट यहाँ पर वाउचर सिलेक्ट रहता है और इसमें हमें वाउचर ही रहने देना है और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमारा कर्सर आ जाएगा फील्ड में। फील्ड में जैसे ही कर्सर आएगा तो साइड में देखिए लिस्ट ऑफ फील्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ फील्ड्स में आपको जनरल डिटेल्स के अंतर्गत लिखा हुआ मिलेगा सप्लायर क्रेडिट डेबिट नोट नंबर। तो जब आपको सप्लायर का डेबिट नोट नंबर से सर्च करनी है एंट्री या फिर क्रेडिट नोट नंबर से एंट्री सर्च करनी है तो दोनों के लिए यहाँ पर कॉमन ही आपको फीचर दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फील्ड में कर देंगे लिस्ट ऑफ फील्ड्स में सप्लायर डेबिट क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, अप्लाई फिल्टर ऑन में वाउचर कर दिया, फील्ड में मैंने कर दिया सप्लायर डेबिट क्रेडिट नोट नंबर और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो कंडीशन में आपका कर्सर आ जाएगा और यहाँ पर आप कर दीजिए इक्वल टू मैंने कर दिया। इक्वल टू का मतलब क्या है कि आप जिस सप्लायर के क्रेडिट नोट नंबर या डेबिट नोट नंबर के आधार पर एंट्री को सर्च करने के लिए आए हैं वो पूरा का पूरा आपको सेम को सेम वैसा ही डाल देना जैसा कि आपने एंट्री में डाला है ना। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं हमारे सप्लायर का जो क्रेडिट नोट नंबर था, यानी डेबिट नोट वाउचर में हमने एंट्री की तो सप्लायर ने हमें क्रेडिट नोट दिया था, तो क्रेडिट नोट जो नंबर था जिसके बेस पर हम एंट्री को सर्च करना चाहते हैं इतनी सारी एंट्रीज में से वो यहाँ पर सेम टू सेम डाल देंगे, है ना। अब यहाँ पर आप ये तो कर सकते हैं कि जैसे एंट्री में आपने स्मॉल लेटर में डाला या कैपिटल लेटर में डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या एंट्री में आपने कैपिटल लेटर में लिखा है और यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं CN/23-24/00870, ठीक है ना। तो ये मैंने एक कोई एंट्री है इतनी सारी एंट्रीज में से जिस एंट्री में मैंने सप्लायर का क्रेडिट नोट डेबिट नोट नंबर के कॉलम में ये डाला है CN/23
23-24/00874 ये डाला, ठीक है ना। अब इसको करने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इतनी सारी एंट्रीज में से वो हमें वो एंट्री निकाल कर दे देगा जिस एंट्री में मैंने सप्लायर के क्रेडिट नोट डेबिट नोट कॉलम के नंबर में ये नंबर डाला है। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए उसने ये एंट्री हमें निकाल कर दे दी। अब इस एंट्री में हम जाकर देखेंगे तो देखिए ये वही एंट्री होगी जिसमें कि मैंने ये सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर डाला है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल को मैंने यस किया तो देखिए ये वो एंट्री हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गई। और देखिए इसमें सप्लायर डेबिट क्रेडिट नोट के नंबर में CN/23-24/00874, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर है डेबिट नोट नंबर उसके बेस पर आप सैकड़ों हजारों एंट्रीज में से उस एंट्री को सर्च कर सकते हैं जिस एंट्री में आपने वो पर्टिकुलर क्रेडिट नोट नंबर या डेबिट नोट नंबर डाल रखा है। इसके अलावा एक तरीका और है, चलिए वो भी बता देते हैं। फिर से हम अप्लाई फिल्टर में जाते हैं। अप्लाई फिल्टर में जाने का फिर से यहाँ पर फील्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर ले लेते सप्लायर डेबिट क्रेडिट नोट नंबर जैसा कि मैंने पहले किया था। अब कंडीशन में मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंडिंग विथ, तो यहाँ पर एंडिंग विथ से भी आप सर्च कर सकते हैं, यानी एंड के कुछ डिजिट डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। और स्टार्टिंग विथ कर देंगे तो स्टार्टिंग के कुछ डिजिट डालकर भी आप इसी तरह से क्रेडिट नोट नंबर और डेबिट नोट नंबर के बेस पर एंट्री को सर्च कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंडिंग विथ, तो एंडिंग विथ से भी हम कर सकते हैं। एंडिंग विथ कर दिया तो एंडिंग विथ का मतलब ये है कि एंड के कुछ डिजिट डाल दीजिए तो उससे भी ये एंट्री आपको सर्च करके दे देगा। अब मैं यहाँ पर केवल डालूंगा 00870, है ना, ये मैंने डाल दिया। अब क्या होगा, जिस भी एंट्री में मैंने क्रेडिट नोट नंबर डाला होगा उसके एंड के डिजिट होंगे 00874, तो वो एंट्री हमें सर्च करके दे देगा। तो इसको भी मैंने इस तरह से किया। अब देखिए इसमें भी इसने हमें वही एंट्री यहाँ पर सर्च करके दे दी और इस एंट्री में वही एंट्री है, लेकिन अब मैंने इसको क्या किया एंडिंग विथ से सर्च कर लिया तो लास्ट के कुछ डिजिट डाल दिए थे 00870, तो यहाँ पर देखिए लास्ट के जो डिजिट थे उसने इस एंट्री को सर्च करके दे दिया हमें, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।